नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के सगड़ी आजमगढ़ अजमतगढ़ ब्लॉक पर मंगलवार को प्रमुख एवं सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार द्वारा एवं सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई एवं खंड विकास अधिकारी द्वारा सदस्यों के साथ एक बैठक कर प्रस्ताव लिए गए। इस दौरान क्षेत्र के कुल 107 सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इसके पूर्व सुबह से ही ब्लॉक के कर्मचारी शपथ ग्रहण तैयारी करने के लिए जुट कर ब्लॉक को फूलमाला गुब्बारा टेंडा लगाकर दुल्हन की तरह सजाया गया था। यहाँ लगभग 3 बजे उप जिलाधिकारी द्वारा सभी को शपथ दिलाई गई। आने वाले समय में कैसे विकास होगा? आज अजमतगढ़ ब्लॉक में हमारे क्षेत्र पंचायत साथियों और प्रमुख का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। सारे ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत साथियों में हर्षोल्लास का वातावरण था। सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अजमतगढ़ ब्लॉक नहीं, सगड़ी विधानसभा के कोने कोने से आए हुए दूसरे ब्लॉकों के भी प्रधान लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और स्वागत सम्मान में शपथ ग्रहण समारोह में सबकी सहभागिता रही। मैं सब आए हुए अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन किया। उसके बाद आज क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक हुई जिसमें विकास की गति देने के लिए हमने उनसे 10-10 लाख रुपए का विकास करने का प्रस्ताव मांगा और एक गांव सभा में 15 LED 2 सोलर लाइट देने का वादा किया और यह काम 1 महीने के अंदर इस विकासखंड में सारे गाँव सभाओं में होगा और यह निश्चित रूप से हमारे ग्राम प्रधान सारे बढ़ चढ़ के विकास की गति में आगे काम कर रहे हैं। मैं उनका सहयोग देने का काम करूंगा हमेशा। जो मोदी जी का, योगी जी का जो वादा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उन्हीं वादों के साथ हम एक कदम आगे बढ़ चढ़ के सभी क्षेत्र पंचायत साथियों का, ग्राम प्रधान साथियों का और क्षेत्र के सम्मान में जो सम्मानित गणमान्य व्यक्ति हैं उनका जो भी सुझाव आएगा उसको भी इस विकास खंड के माध्यम से विकास दिया जाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त। जय हिंद, जय भारत।